चले जाओगे। अपने आत्माओं, परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है। यदि आपका ये विश्वास हो जावे कि ये साधना सही है जो हम कर रहे हैं, इतनी आसान है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साधन आसान नहीं है जो परमात्मा पाने की विधि आसान है। एक रोटी खाना बनाने के लिए भी हमने कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ता है, और डेली दो दो बार करते हैं, तीन तीन बार भी करते हैं। गैस सिलेंडर लावा कि तरह ईंधन इकट्ठा करें, चूल्हा चौका है, पलटा चमटा प्लेट तवा आटा, फिर गूंदे, फिर सब्जी कटोरी है, पालक पता नहीं क्यों क्यों धनिया जीरा, कितने जुगाड़ जोड़ के और डेली रोटी दो दो टाइम बनाते हैं, कितना समय लगता है। और परमात्मा के भजन में जीभ भी ना ठानी, जीभ भी नहीं उठानी, कोई हरकत में भी नहीं आना। लेटा है तो लेटा लेटा सुमना शुरू कर दे, बैठा है तो बैठा बैठा इतना बढ़िया सुमन दे रखा भगवान ने। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी हम अपने दैनिक क्रिया करते करते परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा का जो सतनाम का सिमरण है या वैसे मंत्र जाप है, आपको मौखिक याद हो जाता है, इसमें कुरलाकरण की जरूरत कोई ना। जब भी याद आ गया, जब भी मंड जा, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, ना आटा गूंदना, ना सब्जी काटनी, ना आग जलानी, ना कोई ईंधन इकट्ठा करना। और उसको हम डेली करते हैं, चाहे घंटा लगे चाहे दो घंटे, दो दो घंटे सुबह शाम खाना खुना बनाने में, खाने में सारा काम करते हैं। तो इसमें इतना आसान है, तो आपके ये हृदय में समा जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल है। आपको इतना दृढ़ विश्वास कराने के लिए ये दास ये चाहता है कि सदग्रंथों का आपको बार बार रूबरू करूं, आपकी उंगलियां पर ये बातें आ जावें, फिर आप भक्ति करोगे डट के। अब आप जी के समक्ष हो गया कि देवी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्मा और नारद और व्यास जी कहते हैं कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये जगत के प्रभु हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर में कोई भगवान ने ना जानता, इस तो ऊपर कोई भगवान परमात्मा है कोई नहीं, मत इससे ही पूजा करता हूँ, या इससे ऊपर कोई देवता है कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि सब पूजा त्याग दो, एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है उसका, ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं पहले। ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करता हुआ स्मरण करने का, और यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्यागते समय तक इसका स्मरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता, जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक, इसमें कहा कि अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक से लेकर और नीचे के सभी लोग पुनरावर्ती में है। यह देखिएगा,
अर्थात पुनरावृत्ति का इन्होंने टिप्पणी की, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, ये पुनरावृत्ति कहलाती है। ये सितार ला रखे ने सितार का यह अनुवाद स्पष्टीकरण दिया है पुनरावृत्ति का, कि इस ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यहाँ इन्होंने अनुवाद किया, गलत किया है कि परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ यह है कि जो ये नहीं जान पाते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, वो लोग ब्रह्म लोक में चले जाते हैं और ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में, इसका ये अर्थ बनता। अगर यहाँ ये इन वाले अर्थ को हम फाइनल माने कि पुनर्जन्म नहीं होता मुझे प्राप्त होकर, तो फिर चौथे अध्याय का ये पांचवा श्लोक निरर्थक हो जाता है। पांचवा, नौवां और दूसरे अध्याय का बारहवां, ये सब निरर्थक हो जाता है। ये देखिए अध्याय नंबर चार का और श्लोक नंबर पांच है, ये इसकी संस्कृत यहां पर है और ये यहां पर है। हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब चौथे अध्याय का नौवां श्लोक, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि मेरे जन्म तो होते हैं लेकिन वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अच्छा, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में फिर कहा है, अध्याय नंबर दो और श्लोक नंबर ये बारह है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसका स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म थे और आगे भी होंगे। अब इसमें दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। अब ये ब्रह्म कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, सत्रहवें में नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग यानी जिसने सारी सृष्टि की रचना की है व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वो यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से कोई और है, अविनाशी परमात्मा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति यानी और सनातन परम धाम को, सतलोक को, सनातन माने सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला जिसका अंत ना हो, उस लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्मा में ये अध्यात्म ज्ञान स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसको बार बार आपको बताना पड़ेगा ताकि आपके हृदय में यु ज्ञान समा जा, अज्ञान हट जा। अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रसन्न किया कि हे प्रभु, आप जी ने जो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वर्म के बारे में कहा है कि उस तत्वर्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और फिर वो इस संसार की किस वस्तु में आसक्ता नहीं रखता, ना डिमांड करता, तो आठवें अध्याय के एक मैं अर्जुन ने पूछा किम तत्परम और किम अध्यात्म किम अधिभूत, तो वो क्या है, वो तत्परम क्या है,
ये देखिएगा आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अष्टमो अध्याय श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्परम हे पुरुषोत्तम तत्परम क्या है वह ब्रह्म क्या है तत्परम कहो वह ब्रह्म कहो वह परमात्मा कहो वो किम तत्परम यहां देखिएगा ये सातवें अध्याय का 29वां मंत्र है यानी 30 मंत्र है कुल इसमें और ये 29वां मंत्र है। इसमें है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतंती ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो बताया है कि तत्वदर्शी संत को खोजने के उपरांत फिर उससे जो ज्ञान प्राप्त हो उस आधार पर साधना करो। कहते हैं जो मेरी इस बात को आश्रय कर लेता है वो तो जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने का मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं वो कौन करते हैं माम आश्रित है जो मेरे बात पर आधारित हो जाते हैं यतंती ते जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्व विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म या ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म को उस ब्रह्म को जानते हैं कृष्णम यानी सारे अध्यात्म को जानते हैं और कर्म से अखिलम और सारे कर्म से परिचित हैं वही उस तत्ब्रह्म से परिचित होने के बाद जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के द्वारा जो मेरे शरण होकर आश्रित है करें जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा और मरण मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे व्यक्ति तत् माने उस और ब्रह्म माने ब्रह्म को ये तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां श्लोक यहाँ समाप्त बस अंत हो जाता है। ये यहाँ पर 7वां अध्याय ये समाप्त हो गया। अब यहाँ 8वें के शुरुआत में 8वां अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन उवाच अर्जुन ने पूछा हे पुरुषोत्तम ये कहा कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब उसने पूछा वो तत्ब्रह्म क्या है वह तत्ब्रह्म क्या है वह ब्रह्म क्या है इसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में। गीता ज्ञानदाता ने ये 8वें अध्याय के ही 3रे श्लोक में इसका उत्तर दिया वह परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म अब ये और क्लियर हो जाएगा। 8वें अध्याय के इस 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि जो व्यक्ति अंत काल में भी मुझको ही श्रमण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मदभावम याति वह मेरे भाव में को प्राप्त होता है मेरे भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये है इन्होंने कहा मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है ये स्वरूप नहीं बनता इसका अर्थ वह मेरे भाव में भावित रहता भावित हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं यानी जो जिसमें भावित रहेगा उसी को प्राप्त होगा। अब 6 में एक बताया कि ये नियम है कि हे कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को श्रमण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ देखो वह तत्भाव भावती वो उसी भाव में भावित रहता है यानी जिस इष्ट में आस्था होगी उसी में उसकी भावना बनी रहेगी। 7वें में फिर अपने बारे में बताता है कि इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार
मुझे